आज हमारी क्लासेस में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल की हमारी ये पहली क्लास है और पिवट टेबल की पहली क्लास में कुछ करने से पहले आप पिवट टेबल के बारे में अच्छे से समझ लीजिए कि पिवट टेबल आखिर है क्या। देखिए, पिवट टेबल जो है हमारा डेटा के ऊपर डिपेंड करता है समराइज करने के लिए। अब कुछ लोग, जैसे आपने बताया कि मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो देखिए रिपोर्ट कैसा बनेगा और डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर, आपका डेटा कैसा है, राइट सर? क्योंकि वो क्या है कि पिवट टेबल इनबिल्ट फंक्शन, वो आपके हर जरूरत को पूरा नहीं करता है, लेकिन 60 to 80% आपकी जरूरत को पूरा करता है। मतलब कोई रिपोर्ट बनाना है तो जरूरी नहीं है कि आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट पिवट से बन जाएगा, लेकिन आपकी रिपोर्ट का 60% 70% तक जो है बन जाएगा, तो आपके लिए फायदे की चीज है। 60% आपका विथिन मिनट में हो गया, बाकी कुछ बचता है उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है? तो पिवट डेटा को समराइज करता है, डेटा को एनालाइज करता है और डेटा को रिप्रेजेंट करता है। पिवट टेबल की के साथ हम किसी भी डेटा को एनालाइज, समराइज एंड रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके सामने एक डेटा दिख रहा है, तो डेटा को आप समरी बनानी है तो डेटा को समझना जरूरी है। तो डेटा को एक बार समझिए, इसमें डेट है, मतलब कि एक को मतलब मेरे एक सेल्स का डेटा है कि किस डेट को कौन सा कोर्स किस पर्सन ने किस सिटी के किस एरिया में कितनी क्वांटिटी कितनी एमआरपी से कितने अमाउंट में खरीदा, कितना जीएसटी दिया, टोटल कितना हुआ, और ये सेलिंग मंथ कौन सा है, एक कंप्लीशन मंथ कौन सा है, राइट? अब मुझे बस ये पता करना है कि सिंपल सा रिपोर्ट कि सिटी वाइज कि किस सिटी में हमारी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है मुझे पता करना है, ठीक है? तो पिवट टेबल का कोई हेडिंग ब्लैंक, पिवट टेबल लगाने से पहले आपके डेटा का कोई हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। डेटा में कोई ब्लैंक रो अगर है तो पूरा डेटा को सिलेक्ट कीजिएगा, अगर नहीं है तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। रो ब्लैंक से मतलब है कि पूरी की पूरी रो जैसे ब्लैंक है ना, इस तरह का कोई ब्लैंक है तो डेटा को सिलेक्ट कीजिए, वरना क्या होगा कि एक आपके ऊपर से ही पिवट टेबल लग जाएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पिवट टेबल इंसर्ट में गया, पिवट टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो फिलहाल अब न्यू वर्कशीट पे क्लिक करते हैं तो एक नई शीट खुलेगी और आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, ये जो आता है इसको बोलते हैं रिपोर्ट एरिया, और ये जो आपको देते हैं इसको बोलते हैं पिवट टेबल कंसोल कर लीजिए या फिर पिवट टेबल फिल लिस्ट कर लीजिए, हालांकि सिस्टम इसको फिल लिस्ट कहता है, ठीक है? तो मैंने जो भी बताया आपको कि पिवट टेबल में कोई हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, इसलिए बताया क्योंकि तो जब पिवट टेबल हम लगाते हैं तो आपका जो पिवट टेबल का जो हेडिंग्स है ना सर, उसे के ऊपर लगता इसी के ऊपर लगता है, इसलिए ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो मुझे रिपोर्ट क्या चाहिए, मुझे चाहिए किस सिटी में कितना सेल हुआ, किस सिटी में कितना सेल हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां से सिटी को उठा के रो में रख रहे हैं और अमाउंट या और टोटल जो भी उठा के हम वैल्यू में रख रहे हैं, अमाउंट और वैल्यू को उठा के हम टोटल में रख रहे हैं। तो आपके सामने रिपोर्ट आ गई कि किस सिटी में कितना। अब रिपोर्ट को ऐसे तो देखोगे नहीं, अब इससे मान लीजिए कुछ और चेंज करना आप चाहते हो कि मंथली कितना हुआ है, तो आप मंथ को उठा के कॉलम में आसानी से रख सकते हो, ऐसे रखोगे आपकी मंथली रिपोर्ट इस तरह से बन जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये शॉर्टेड तो नहीं हुआ ना सर, जैन फेब के हिसाब से। तो सर इस तरह से क्योंकि आपका डेट नहीं है, डेट रहता तो कर देगा कर देता, ठीक है? तो उसको वो सॉर्टिंग वाला ये कर सकते हैं। हाँ, तो शॉर्टिंग से नहीं होगा, शॉर्टिंग होगा तो फिर अल्फाबेटिक होगा ना सर। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए आप मूव कर सकते हो, जैसे कि मुझे जनवरी चाहिए, राइट? हाँ, सेल मूव करके भी हो सकता है, लेकिन हाँ जनवरी, आपने पहले हाँ आपने एक वो सिखाया था ना, वो लिस्ट में नया लिस्ट ऐड करके। नहीं, तो वो ये चीज, वो ये चीज जो आप बता रहे हैं ना, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे शॉर्टिंग ही होगा, या फिर आप इस तरह से मूव ड्रैग करके करते रख सकते हो, ठीक है? इस तरह से मूव करके आप रख सकते हैं मार्च अप्रैल,
मई जून जुलाई अगस्त, अब जैसे सेट है तो गलती से सेट हो गया है, सितंबर होना चाहिए, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका रिपोर्ट होगा। अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात करते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करें। देखिए, आप जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग करते हैं तो तब कर ही सकते हैं, उसके अलावा यहां से जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप करते हैं, करे से यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे सिटी कर सकते हैं, तो जैसे कि चेंज कर सकते हैं आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं, रो की हेडिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज क्या नहीं कर सकते, जो कैलकुलेट हो गया आई वैल्यू है ना सर, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये ज्यादा चेंज से ज्यादा उसका वो डेसिमल्स वगैरह हटा सकते हैं, वो जी रिप्रेजेंटेशन मतलब करते कि आप बाकी सारे चीजें चेंज कर सकते हैं जो, लेकिन जो फिगर है ना सर, जो कैलकुलेट होकर फिगर आया है, आप उस फिगर को चेंज नहीं कर सकते। बराबर। ठीक है, यस चलिए आगे बढ़े। अब इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए आप डिजाइन पे जाएंगे तो यहां बहुत सारे फॉर्मेट है। अब क्वेश्चन आता है कि डिजाइन से ही फॉर्मेट क्यों करें, हम यहाँ होम से जो नॉर्मली डेटा फॉर्मेट करते हैं वो भी कर सकते हैं। जी हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार हम रिपोर्ट का एज ए पिवट टेबल ही भेजते हैं। अगर आपको रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट करके भेजना है, पिवट हटा के भेजना है, तो आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब होता है, जब आप रिफ्रेश करते हो। बराबर, वो प्रॉब्लम है। हाँ, रिफ्रेश मैं आई एम करने पे यूज्ड टू, डेटा अगर इंक्रीज डिक्रीज होता है तो फिर वो फॉर्मेट इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपने मान लीजिए फॉर्मेटिंग लगाया है तो आपने लगाया है दिसंबर तक, अब बीच में कोई ऐड हो गया तो फॉर्मेटिंग थोड़ी आएगा, क्योंकि वो तो दिसंबर नहीं तो एम कॉलम ले रहा है ना सर। इसलिए डिजाइन में जाके आप पिवट टेबल स्टाइल में अपनी जो पिवट टेबल का स्टाइल है, डिजाइन है, उसको चूज कर सकते हो जो आपके लिए सूट हो, या न्यू पिवट टेबल स्टाइल में जाके यहाँ पे अपनी पिवट टेबल के स्टाइल बना भी सकते हैं, फॉर्मेट में अपनी फॉर्मेटिंग, अपनी कलर जो करना चाहो कलर सकते हो। ठीक है, एंड ओके। आप जो फॉर्मेटिंग चूज करो वो फॉर्मेटिंग आपका आ जाए। हो गया, उसमें से वो लाइंस वगैरह वो भी कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस वगैरह वो भी उसमें कर हाँ, सकते हैं ना। बाकी चीज तो कर सकते हैं। अब इसमें जो जीरो, देखिए ब्लैंक आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसके जगह पे जीरो आए या कुछ अपना मैसेज आए, राइट क्लिक कीजिए पिवट टेबल ऑप्शंस में, और यहाँ पे जो मैसेज देना है, 4 MPT से दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे अपने हिसाब से जो मैसेज देना हो दे सकते मे बी डेटा नॉट रिपोर्टेड वगैरह, DNR वगैरह वो भी डाल हैं। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सॉरी, यहां पे अपने हिसाब से दे सकते हैं। देन यहां पे हमने राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शंस में इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम धीरे धीरे बात करते हैं इसमें। अब हमारी रिपोर्ट आ गया, अब मान लीजिए कि यहां हमने मंथ को कॉलम में रख दिया, राइट। लेकिन मंथ को कॉलम में रखना हर बार जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी तो 12 कॉलन है तो आपने रख दिया, मान लीजिए अगर 120 होता तो 1200 होता था, दोनों हो जाती है ना सर। तो कॉलन में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि वही फील्ड को रखिए जिसकी काउंट, नंबर ऑफ इन काउंट जो है आइटम्स है वो कम, अदरवाइज आप उसको रो में रखे, सब हेडिंग बना के तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसमें एक फायदा होता है कि आप इसको कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर बड़ा रिपोर्ट है तो एक बार सारा भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके पिवट टेबल एनालाइज में आइए, यहाँ देखिए कोलैप्स और एक्सपेंड दिख रहा है आपको, एक बार पूरा हो जाता है। और जैसे मैंने एक्सपेंड कर दिया तो रिपोर्ट दे दिया। आप किसी को देखना है कि कानपुर और किस किस मंथ में क्या सेल है तो इस पे क्लिक करेगा और कानपुर का रिपोर्ट देख लेगा। ठीक है सर, क्लियर है। इसे से कलेक्ट कर सकता हूं, एक से ज्यादा भी फील्ड आप यहां पे इसी तरह से रख सकते हैं।
एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। सॉरी सर। हाँ सर, तो इस तरह से कोलैप्स आप एक्सपेंड कर सकते हैं तो बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है कि जब आप रिपोर्ट पिवट टेबल में रखते हैं तो ये फीचर सही है, लेकिन रिपोर्ट जब पिवट टेबल में नहीं होती है, हमें कॉपी पेस्ट करके किसी को भेजना होता है तो प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, अब पता चल रहा है कि कौन सा सिटी है और कौन सा मंथ है? नहीं, उसमें वो फिर डिस्प्ले ये करके चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो पुणे के आगे आएगा वो सिटी। हाँ, इसके लिए आपको पिवट टेबल का लेआउट चेंज करना होगा। कहां से? पिवट टेबल डिजाइन में। यहाँ आपके पास पिवट टेबल का लेआउट है, आप यहाँ से इसको टेबलर फॉर्म में कर दीजिए या फिर राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे आप डिस्प्ले पे इसको क्लासिकल पिवट टेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, नीचे सब टोटल दिख रहा है। ठीक है, तो हर एक सिटी का सब टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहते हैं सब टोटल रखिए, ठीक है, अगर नहीं चाहते तो यहाँ से इसको राइट क्लिक करके रिमूव रिमूव हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे जो पुना है, पुना पुना नीचे रिपीट हो जाए, क्योंकि फिल्टर में जब कॉपी पेस्ट करूंगा तो फिल्टर में दिक्कत हो सकती है। तो यहां हम क्या करें, रिपीट ऑल आइटम लेवल, हम क्या करेंगे, रिपीट ऑल आइटम। तो रिपीट ऑल आइटम लेबल करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में ब्लैंक चाहिए, तो यहां पे इंसर्ट ब्लैंक करेंगे तो एक ब्लैंक इंसर्ट हो जाएगा। यहां से रिमूव करेंगे तो रिमूव भी हो जाएगा। डू नॉट रिपीट हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको मर्ज करते हैं। तो राइट क्लिक करके आप पिवट टेबल ऑप्शन पे जाके इसको आप मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, यही रहा आपका मर्ज एंड सेंटर विथ लेवल। ठीक है सर, हो गया मर्ज। हेलो, यस यस, यहां से आप मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज और भी होती है, जैसे मुझे पता करना है कि पुणे ने मार्च में कितना सेल किया, तो ये जो टोटल है इसका डेटा क्या है। जस्ट इस पे डबल क्लिक करें तो एक नई शीट में आप देखेंगे आपको आपको डेटा आ जाएगा, एक बिल्कुल नई शीट। ठीक है, एक नई शीट डेटा आ जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए सर, पिवट को थोड़ा स्लो पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा।